नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है सरकार को। इसमें कई तरह के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनरल वालों की सीट एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को दे दी गई है। तो अब ऐसे में जब अनरिजर्व कैटेगरी बचेगी ही नहीं तो सरकार दूसरी लिस्ट में इनका नाम कैसे देगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी भी मांग जायज है। वो भी लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमको नियुक्ति कब देगी, सरकार ने आनन फानन में आधा अधूरा काम क्यों किया। इस मुद्दे को पूरा समझते हैं एक चयनित शिक्षक के मुंह से। उन्हीं की जुबानी हम आपको बताते हैं कि आखिर दरअसल पूरा मामला क्या है। सर, अपना नाम बताइए और आप कहां से हैं चयनित शिक्षक? मेरा नाम अमित गौतम है और मैं सागर का रहने वाला हूं और मैं वर्ग दो इंग्लिश से मेरी वेटिंग है, 6 वेटिंग है ईडब्ल्यूएस से। और आज मैं सर मैं चाहिए आप सबसे पहले यही कीजिए, जो रिजर्व और अनरिजर्व वाला कैटेगरी वाला मामला है इसको आप उदाहरण सहित बताइए, कैसे क्या दिक्कत है इसमें। देखिए सर, मैंने एक लिस्ट अध्ययन की, इंग्लिश की खासकर अध्ययन किया मैंने। उसमें उच्च माध्यमिक की लिस्ट में एक जो कैंडिडेट है जिसकी 670 रैंक है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, उसको सीट आवंटित कर दी, ये अच्छा है। लेकिन उसके पहले 651, 52, 53, 54, 55 ये लोग अभी भी वेटिंग में है। बल्कि डिज़र्व कौन कर रहा था, वेटिंग माने जिसकी रैंक ज़्यादा है। अगर सरकार रैंक को वरीयता नहीं दे रही है तो रैंक का फिर मतलब क्या हुआ? अगर आप कम रैंक वालों को अनरिजर्व सीट दोगे तो जो वेटिंग लिस्ट की दूसरी लिस्ट जारी होगी उसमें अनरिजर्व वालों को कोई भी सीट नहीं बचेगी। इनने पूरी जो सीटें हैं अनरिजर्व की वो रिजर्व कैटेगरी के लोगों से, अभ्यर्थियों से भर दी है। मतलब अगर ये 670 वाले को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का था उसको रिजर्व से देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 670 उसकी रैंक थी, आपने उसको ईडब्ल्यूएस कोटे में दे दिया और ईडब्ल्यूएस का था और उसको आपने रिजर्व कोटे से दे दिया। अब जिसकी रैंक 652 है, 653 है और रिजर्व कोटे वो अनरिजर्व था तो उसको तो आपने नियुक्ति नहीं दी, रिजर्व कोटे वाले को आपने अनरिजर्व में घुसा दिया, तो फिर मेरिट का मतलब ही क्या रहा? और इस संबंध में आप कुछ बता रही है संबंधित अधिकारी वो एक स्पष्टीकरण दें कि इसमें उनने कौन सा रूल लगाया है, कौन से नियम के तहत ये जो उनने रिजर्वेशन का रोटेशन किया है वो किसके तहत किया है। क्योंकि लोग बहुत अवसाद में हैं, खासकर अनरिजर्व के लोग। अब उन्हें ये लग रहा है कि अनरिजर्व की सारी सीटें भर गई हैं। अब वेटिंग अगर क्लियर भी होगी तो उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है सर। जी जी, अच्छा, तो देखिए बता रहे हैं कि वेटिंग क्लियर भी हुई तो अनरिजर्व वालों का क्या होगा? आप रिजर्व कैटेगरी को अनरिजर्व में क्यों घुसा रहे हो? आप बेशक रिजर्व कैटेगरी वाली को नियुक्ति दो, वो भी अधिकारी है, उसको नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन जब आप उसे अनरिजर्व कोटे से दे दोगे तो बेचारा अनरिजर्व वाला कहाँ जाएगा? और ये मुद्दा लगातार बना हुआ है और ये खुद रिजर्व कोटे से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, फिर भी ये उचित बात कर रहे हैं और जो सरकार को एक नैतिकता होती है उसी नैतिक पैमाने की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार ये एक रिजर्व वाला मामला हो गया, ये अलग है अनरिजर्व रिजर्व, और इसके अलावा जो एक वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है, अगर नहीं देती तो क्या आप लोग एक बार फिर आंदोलन करेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग चाहे वो मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट हों या वेटिंग वाले हों, पिछले 2 साल से हम लगातार ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। भोपाल में हम कई आंदोलन कर चुके हैं, सारी हमारी जो महिला साथी हैं उनने हमारा साथ दिया है और मैं जो यहाँ बैठा हूँ मैं पूरे 30,000 चयनित शिक्षकों की बात करने के लिए बैठा हूँ सर। अभी भी सरकार ने लगभग 20,000 पद हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में है और 10,000 पद लगभग आदिम जाति विभाग में है। अब इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 पदों में से केवल 12,000 पदों पर नियुक्ति दी है, बाकी 8,000 आज भी चयनित शिक्षक वेट कर रहे हैं। और आदिम जाति कल्याण विभाग की तक कुछ आया ही नहीं है नोटिफिकेशन, उसका कुछ अता ही पता नहीं है कि ये कब डालेंगे सर। तो हमारा यही कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर हमें दिवाली के पहले पहले नियुक्ति नहीं दी जाती है तो इस बार पूरे 18,000 जो अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षक हैं, जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है, वो भोपाल की सड़कों पर काली दिवाली मनाएंगे। इनका स्पष्ट कहना है काली दिवाली मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें कई महिलाएं हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति देनी चाहिए। कमों से कम सरकार के किसी नुमाइंदे को माइक पर, कैमरे पर सामने आकर इनकी बातों को, इनकी जो मांगे हैं उसके संबंध में कुछ न कुछ जानकारियाँ अवश्य देनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, रिजर्व और अनरिजर्व वाला जो ये घोटाला एक प्रकार से सामने आ रहा है उसको भी सरकार को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को या कोई भी खबर हो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन हम लगातार इस मुद्दे को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।